हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज आप देख रहे हो हम तीनों के साथ में। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हमारी आज हमारे दूसरे वाले गांव में, जो कि टॉप पे है। यहाँ से तो दिखाई नहीं देता है, बट हाँ वहाँ से सब कुछ दिखाई देता है। तो हम बहुत डर गए हैं कि पता नहीं वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। ऑलरेडी विनोद तो जा चुका है, बट मेरा ये फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये मैं अम्ब्रेला लेके इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। मम्मा ने अम्ब्रेला, वाटर बॉटल सब साथ में दी हुई थी। तो यहाँ पर सब डिस्कशन करें कौन ऊपर जाएगा, कौन कैसे जाएगा, सामान कहाँ रखना है, तो उससे हमें क्या था। तो फिर हम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए, तो फिर हम इतनी चढ़ाई लगी क्योंकि हम जम्मू में रहने की आदत हो गई, तो काफ़ी टाइम आदत नहीं हो है इतनी ज़्यादा चलने की। तो ये हैं जो आप ब्लू शर्ट में देख रहे हो, ये हमारे फोटोग्राफर हैं और हमारे रिलेटिव भी हैं जिन्होंने हमारी शादी की वीडियोस बनाई है, बट अभी तक नहीं दिए। तो होप सो प्रे कर सकते हैं, या अगर आप ही लोग कमेंट करके बोलोगे तो मुझे लगता है ये जल्दी से जल्दी हमें दे, तो ज़रूर कमेंट करना। और ये है सारे बंदे जो हमारे साथ आ रहे हैं। मोनू है यहाँ पे, चाची, उनके बच्चे सारे, हम मतलब पूरी फैमिली जितने भी हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, सारे नहीं हैं बट थोड़े बहुत जितने भी हैं तो सारे। ये है मेरी दादी, सबको खाना दे रहे हैं। और ये है हम कसरोड़ की सब्ज़ी खा रहे, जो मम्मा ने पैक करके दी थी सबके लिए, एक एक फुलके, दो दो फुलके डाल के दिए थे, तो हम सब ने एक एक फुलका खाया। और अब हम जा रहे हैं ट्रैक करने के लिए। ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी ननद, तो इसका नाम काजू है ना, स्वीट स्वीट। तो अब हम यहाँ से स्टेशन पे काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं जो कि आपको आगे देखने के लिए मिलेगी, और इनकी भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं विदाउट एनी पेड प्रमोशन। हाँ, और ये हूँ मैं, हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा। ये वो और ये जिसने मुझे लात मारी, हाँ इनको लात मारी और ये नीचे तक गिर गए थे, उसके दाग होंगे अभी भी आपकी शर्ट पे, है ना। दिखाओ पीछे, बूढ़ो पीछे। नमस्कार, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पर एक ताज़ा खबर आई है। यहाँ पर एक लड़का दो लड़कों को करा दिया है घोड़े ने। वो घोड़ा है, ध्यान से देखिए, इससे ध्यान से बच के रहिए, जो भी चिगड़े लेके नाले पे आएगा वो ध्यान से बच के रहिए इस घोड़े से। इसने इसको पार्टनर बना लिया है ना, पार्टनर। इन्हें सुंदर क्यों लग रहे हो? क्या पता? सारे लोग आए हुए हैं। इससे भी सुंदर कुछ हो सकता है क्या? देखो मैं हूं ना सुंदर। हाँ तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, बहुत। हाँ हो सुंदर। पानी है मासी इसमें? पानी। देखो ग्राउंड। और कैसा मजा आ रहा है आप लोगों को? मजा बहुत आ रहा है। आप बाकी उनको बोलोगे आने के लिए? हाँ। दादी भी पीछे आ रही है, दादी को भी देखो, दादी ने तीन निशानी उठाई है। थक गए हम। ये हमारे सारे पार्टनर्स, कैसा मजा आ रहा है आप सबको? हमको बहुत मजा आ रहा है। तीरे पत्ते झड़ गए इनके। हाँ यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है, मेरी फोटो तो लेना। पे बर्फ पड़ी होती है ना जब, इतना मजा आता है। आप तो इधर ही होते हो रोज सुबह शाम, है ना। मैंने बहुत देखा यार, मेरी एक वीडियो बनाना। तो हम यहाँ पे थक चुके हैं और अब हम अपने खाने पीने का, ये मैंने नहीं लिया, ये विनोद ने सबके लिए लिया है। मैं तो बस अभी डाइट पे हूँ। क्या है आखिरी, दिखाओ। दिस इज वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। वाइल्ड स्ट्रॉबेरी ये नहीं है वाइल्ड, तो तू खा ना। ये वाली थोड़ी है, ये अभी कच्चा है थोड़ा सा, मगर खा। ये वाली वो वाला खा, वो बड़ा वाला। ये वाली देख रहे हो आप गाइस, कैसे वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है ये, टेस्ट करके बताते हैं। बहुत अच्छी है ना, वो भी है दूसरी उधर। ये आप खाओ, ये पेड़ पे लगती मत, वो असली होती है, इन जंगलों में ऐसी लगती है। टेस्ट अच्छा है, टेस्ट बहुत, अभी कच्ची है थोड़ी थोड़ी, खट्टी है। ये देखो गाइस, दादी बोलो कुछ बोलना चाहते हो आप? ब्रॉडकास्ट हो जाएगा नहीं तो। और आंटी कैसे मजे आ रहे हैं आपको? आंटी आज मेरी जान, इधर आना। ओए तो छोड़ो, फ्लावर ये लो, फ्लावर ये लो। ओए फ्लावर,
फ्लावर फ्लावर। हेलो गाइस, खाना देखा, क्या खाना है? ये खाओ, ये बड़ा जैसा, ये कहाँ चबाया जाएगा? नहीं नहीं, अपने हाथ से एक दो दाने की लाइस को दी जान पा। हेलो, हाँ जी भाई, कहाँ हो? हाँ जी, तो आप कौन लगाता है इसको? आप कौन लगाता है? अच्छा अच्छा, हाँ आलू शालू लगाए इसमें। ओए, ये देखो विदाउट फिल्टर कितना खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ की कोई भी जगह देख ले, सब सुंदर है। ओए विनोद की घर की बात नहीं कर रही हूँ मैं डोडा भद्रा वाली साइड की बात कर रही हूँ। देखेंगे देखेंगे। ओए ये भूतिया जंगल है, बस यहाँ तक रोड पहुंच जानी चाहिए है ना। पेड़ देखो, अब भूत वाली भाई भाई रही। आपने राज मूवी किस किसने देखी है कमेंट करना, और राज मूवी का किसको फील आ रहा है? देखो ऐसे ये हमारा गांव है, और यहाँ पे इतनी अच्छी वाइब आती है, इंसान बहुत खुश होता है। बहुत सारा जंगल है नीचे, बिल्कुल राज मूवी की वाइब आती है। हम सारे बच्चे बच्चे जैसे जा रहे हैं। यहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है, क्यों वो चलने का करके निकल जाएगा, गिर जाएगी। आगे जो आप रास्ता देखने वाले हो, ये जो हम रास्ते पे जा रहे हैं, यहीं पे जो क्लाउड ब्रस्ट आया था और यहीं से पानी इकट्ठा होते हुए नीचे ठाठरी में क्लाउड ब्रस्ट हुआ था। मतलब ये वाला एरिया है जो यहाँ से पानी जाते जाते नीचे तक इतना हो गया था कि फ्लड आ गया था। आपको याद ही होगा 2016 या 17 में, 17 में आई थिंक फ्लड आया हुआ था मई जून में। तो ये है वो जगह जहाँ से पानी इकट्ठा होके और पत्थर आए थे, इसीलिए इतना ह्यूज डिज़ास्टर हुआ था। इन बिटवीन हमें मम्मी बहुत सारी स्टोरी सुना रही थी अपनी शादी के रिलेटेड, कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। यहाँ पे बोलते पानी हुआ करता था जहाँ पे उन्हें कपड़े धोते थे शादी के बाद में, तो मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ करता था। अभी भी यहाँ पे बनाया हुआ है, बट ये मैन बेड है और अब ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि पानी अब लोगों के घर के पास आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सामने कसरोड़ ही लगी हुई है सारी, जितनी भी यहाँ पे कसरोड़ इतनी ज़्यादा है कि अगर आपके पास सब्ज़ी नहीं है तो आप इसको भी बना कर खा सकते हो। मतलब जंगल में रहने का इतना बेनिफिट होता है कि मतलब आपको वहीं पे सब्ज़ी भी मिल जाएगी, वहीं पे पानी भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे खेती करोगे तो आपको हर तरीके की ग्रेन्स मिल जाएंगे। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप गांव में किस तरीके से काम करते हैं। बाकी गांव का नेचर तो बहुत अच्छा होता है, ये है कि अब लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए। तो यहाँ पे मम्मी हमें कुछ बातें सुना रही थी और पापा भी बातें सुना रहे थे, तो जो कि पापा कह रहे थे कि नहीं मम्मा झूठ बोली, तो हम उन्हीं सारी बातों पर हंस रहे थे। और बस अब यहाँ से थोड़ा ही बचा है, तो व्यू देखो कितना अच्छा है, हम सारे सबसे आगे आगे हैं। यहाँ पे कितने बड़े बड़े पेड़ हैं और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ गिरे भी हैं, तो काफ़ी डर लगता है ऐसे रास्तों पे चलने के लिए। आप कभी इतने ऊपर ट्रैक करने गए हो क्या, मुझे भी बताना। मेरा ये बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था, बहुत डिफ़िकल्टीज आए, बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे तो इतना चल के लगा कि मैं दोबारा कभी चल ही नहीं पाऊँगी। तो यहाँ से हमें सामने दिख रहा है घर, तो आई होप हम जल्दी पहुँच जाएँ। तो मैं अभी तक लाइव आई हुई थी इंस्टाग्राम पर, तो ये है काजू और हमें काजू और मैं आगे आगे जा रहे हैं, वो बाकी सब बातें कर रहे हैं, तो हम उनको आवाज़ दे रहे हैं पर वो नहीं आए, तो हम दोनों साथ में जा रहे हैं। तो ये है घर सामने, तो यहाँ से हमें आगे जाना है। अभी हमने वहाँ पे हमारा जो पुराना गांव था वो लो मेंटेनेंस की वजह से ख़राब हो गया, टूट गया है। तो अभी हमारे जो यहाँ पे रिलेटिव हैं उन्हीं के घर पे स्टे किया था हमने, तो आई होप कि एक दो ईयर्स में हम बना ले। तो ये ना जानवरों के पानी पीने के लिए। हेलो गाइस, नमस्ते। बस ठीक, अभी तो ठीक नहीं है, घर पहुंचे। फाइनली सर, गाइस फाइनली कहाँ, पापा भी ब्लॉगर बन गए।
छोटा सा मंदिर है, दिख रहा है आपको? और यहाँ पे भी मंदिर है पीछे, दादू के पीछे, ये हमारे दादू हैं। हेलो गाइस, नैने आपने क्या व्लॉग बनाया? पापा ने देखना कितनी अच्छी व्लॉगिंग की। मैंने कहा आपने क्या व्लॉग बनाया? पापा देखना कितनी अच्छी व्लॉगिंग कर रहे थे अभी तक, सुनना आप। चलो अंदर देखो, गांव वाला घर हमारा, इनका रिश्तेदारों का। चूचू यहाँ खोलना है, अंदर खोलते हैं इधर सारे। ओए मैं भी थी पीछे, आगे चलो। ये हम घर पे पहुंच के, ये पहले बनाते थे हैंडमेड चीजें, घर पे पहुंच गई। ये देखिए हमारा पुराना घर, ये दादू का घर कहाँ है ये, जिसके ऊपर लकड़ी लकड़ी रख। अच्छा लकड़ी रख दिया, कुछ ठीक नहीं हुआ, इसकी मेंटेनेंस नहीं ना रही थी तभी। अभी इधर बनाना है, इधर से सारा है। अच्छा तो ये खेत भी फिर अपने ही होंगे सारे यार, ये सारे जितने भी नीचे आ गए सारे अपने। ठीक हो? मैंने किए हाँ, इतना मुझे भी पता। इन्होंने देखो छत पे ऐसे पेड़ लगाए। कुछ खाने के लिए है तो बताओ, भूख लगी है यार। चप्पल खोलो ना, माथा टेकेंगे इधर, ऐसे ही माथा टेकेंगे बाहर से। गाइज आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। तो यहाँ पे विनोद मुझे जमीन वगैरह दिखा रहे हैं कि खेतों में क्या लगाया क्या नहीं और ये कहाँ तक है, तो बस हम वही देख रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सनसेट हो रहा था तो वो भी इंजॉय किया, और काफ़ी ठंड भी पड़ रही थी अभी भी, मतलब इतनी गर्मी है बाकी जगहों पर, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि एक्सट्रीम वाली ठंड थी, मतलब यहाँ पर अभी भी लोग शॉल वगैरह पहनते हैं। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे, ये किसका ये किसका, तो विनोद को भी नहीं पता, तो हम दोनों फिर वापस ही आ गए ये देखने के बाद। तो आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए अपने व्लॉग्स में ज़रूर बताइए। बंदर दिखाऊंगी मैं अब आप सबको, हमारे घर का पालतू बंदर। चढ़ो ना, चढ़ो यहाँ पे, नहीं सीजन पे भले यहाँ पे बड़ा लेट फल उगता है। आलू भी लगाए जाने जी, आलू लगे एक साल फल पड़ता है, मतलब दो साल की कितने साल फल पड़ता है, फिर एक साल नहीं पड़ता है। हम अभी इस घर में ठहरे हुए हैं, नहीं लगा कुछ, आ जाओ अंदर जाते अंदर खाते। साड़ियों के पेड़ लगे देखो, फपरू लगा है, फपरू है, फपरू पानी के पास लगते है ना, ये फपरू, इसको कसरोल में डालते हैं आपके उसमें क्या बोलते हैं, ये देखो भांग, आपके उसमें क्या बोलते हैं इसको, प्याज बोतल भरी जाओ पी लगे पीने।